हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कर्ट वोनगट के स्लॉटर हाउस फाइव, एक बहुत ही फेमस नोवेल है, उसकी समरी लेके आया हूँ। लेट अस स्टार्ट। स्लॉटर हाउस फाइव जो है, इसका जो प्लॉट है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि ये जो, अगर हम उसे स्टैंडर्ड बिगनिंग एंड वगैरह देखते हैं, बिगनिंग मिडल एंड एंड देखते हैं, वो हमें डायरेक्टली नहीं दिखता है, क्योंकि इस नोवेल का जो प्रोटागोनिस्ट, जिसका नाम है बिली पिलग्रिम, वो समय में कहीं फंस गया है, तो वो अपनी लाइफ को आउट ऑफ ऑर्डर एक्सप्लेन करता है। और ये तरीका ऑथर कर्ट वोनगट के लिए ईजी था, क्योंकि वो हमें दिखाना चाहते थे कि लाइफ कितनी डिसऑर्डर्ड है, जो बिल्ली के एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। अगर हम इसको सेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्ली की लाइफ कुछ इस तरह से है कि बिल्ली वॉर में जाता है, कैप्चर हो जाता है, उसे हम एक जर्मन POW कैंप में भेज सकते हैं, जहां उसे एक ओल्ड स्लॉटर हाउस में अमेरिकन्स के साथ रखा जाता है। वो ड्रेसडन सिटी होती है, जहाँ पर एलियन जो है, जहाँ पे रशियन अटैक करते हैं, और फिर बिली वापस न्यूयॉर्क आता है, वो ऑप्टोमेटिस्ट बन जाता है, चश्मे वाला बन जाता है, शादी कर लेता है और बच्चे हो जाते हैं। कुछ समय बाद उसे एलियंस, जो कि ट्रेफलमेडोर से आए होते हैं, वो उसे पकड़ कर ले जाते हैं, उसे अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं, और वो ये कहते हैं कि वो लाइफ के अंदर कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स को देख सकते हैं। वो उसे एक जू टाइप जगह पे रखते हैं, एक एक्ट्रेस से मिलाते हैं और उसे वापस घर भेज देते हैं। वहाँ घर आकर बिल्ली का प्लेन क्रैश हो जाता है, और प्लेन क्रैश के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसकी जो वाइफ है वैलेंसिया पिलग्रिम, ये उसे मिलने आती है और वो रास्ते में मर जाती है। तो इस तरह से ये सारी स्टोरी है। लेकिन अगर अब हम इसे थोड़ा डिटेल से देखते हैं, तो पहला इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जहाँ पे नरेटर को जो है ऑथर हमारे, वो हमें अपने पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ बताते हैं कि मैं इस नोवेल को लिखने में मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि वो भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में POW थे, प्रिजनर ऑफ वॉर थे, और उन्होंने ड्रेसडन की बॉम्बिंग को 1945 में देखा था। स्लॉटर हाउस फाउ जो है वो बिली पिलग्रिम की लाइफ स्टोरी है, एक वार वेटरन है जिसके वार टाइम एक्सपीरियंस एक तरफ चलते हैं और दूसरी तरफ नरेटर के पैरलर वे में नरेटर के एक्सपीरियंस चलते हैं। बिली की जो का ट्रामेटिक पास्ट है, उसके कारण वो कहीं लाइफ में टाइम में अनस्टक हो जाता है, कहीं टाइम में फ्रीज हो जाता है, जिससे कि वो एक एक्सपीरियंस से दूसरे एक्सपीरियंस की तरफ बाउंस करता रहता है, और बिना कोई वार्निंग या बिना कोई फोर हैंड नॉलेज के वो, उसको हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सी लाइफ उसके आगे आएगी। इसलिए प्लॉट जो है उसमें कोई स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। ये मैंने इसको दो तीन बार पढ़ के, जो मेरे से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना था कि आपको समझ में आ जाए, मैंने वो निकाल लिया। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बिली पिलग्रिम जो है वो एक बार्बर का बेटा है, जिसका जन्म 1922 में हुआ है, और वो न्यूयॉर्क में ग्रो अप हुआ है। उसकी चाइल्डहुड जो है, उसमें कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ दो खास बातें हैं जो उसके लाइफ में आगे आएंगी। कि पहली तो ये थी कि एक बार वो एक स्विमिंग पूल में, पहले बार जब स्विमिंग सीखने गया तो वहाँ वो डूबते डूबते बचा था। दूसरी, एक वो ग्रैंड कैनन में गया था पूरी फैमिली के साथ, और वहाँ पे वो इतना ज़्यादा खुशी से भर गया कि वो पूरी तरह से उसका बीच में ही यूरिन पास हो गया। अब एज ए यंग मैन बिली जो है वो ऑप्टोमेट्री स्कूल में जाता है। ऑप्टोमेट्री स्कूल मतलब जहाँ पे वो चश्मे वगैरह का कुछ सीखता है, वहाँ पे नाइट स्कूल में जाता है। इतने में क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने पर उसे 1944 में उसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ हमारे पास एक और फिगर आ गई सर, 1944 में उसे वर्ल्ड वार के लिए भेज दिया गया। जब वो जाता है तो वहीं उसको वहाँ आर्मी में ले जाते हैं और वहाँ उसे एक चैपलिन का असिस्टेंट बना देते हैं।
उसे बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, पर उसके बाद में उसको वापस दिया जाता है कि एक बार इसके फादर की डेथ हो जाती है, फादर की डेथ के लिए इसको वापस न्यूयॉर्क भेज दिया जाता है। इसके फादर एक एक्सीडेंट में, हंटिंग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बिल्ली को लग्जमबर्ग में पोस्टिंग मिलती है, जहां पर उसको क्या होता है कि बैटल के बीच में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बहुत जबरदस्त अटैक किया लग्जमबर्ग के अंदर, तो फाइटिंग के अंदर क्या होता है कि वो बाकी लोगों बाकी साथियों से अलग हो जाता है। और उसके बाद में, और इसके साथ में सिर्फ दो ही बंदे बचते हैं और एक टैंक गनर बचता है जिसका नाम है रॉबर्ट वीरी। अब ये नाम रॉबर्ट वीरी ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है क्योंकि बाद में ये जाके हमारा एंटागोनिस्ट बनेगा। तो साहब रॉबर्ट वीरी इसके पास में बचा। रॉबर्ट वीरी बिल्ली का बहुत मजाक उड़ाया करता है, ठीक है। अब स्काउट्स जो हैं वो दोनों बिली और बिली से दोनों से फेडअप हो जाते हैं और वो उन्हें पीछे छोड़कर चले जाते हैं, और कुछ देर बाद वो लोग तो मर जाते हैं। और ये दोनों बिली और वीरी दोनों को पकड़कर एक POW प्रिजनर ऑफ वार बनाकर ड्रेसडन जर्मनी में ले जाते हैं। अब जर्मनी में ले गए, वहां वीरी मर जाता है, लेकिन मरते मरते वो ब्लेम दे देता है कि साहब मेरे मरने का कारण है बिली, ठीक है साहब। वहां जहां इसको रखा जाता है, इनको एक स्लॉटर हाउस, अंडरग्राउंड स्लॉटर हाउस में रखते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड रखने के कारण ये होता है कि ऊपर अमेरिका वाले बम गिराते हैं, तो ये अंडरग्राउंड में ये बचे रहते हैं। अब इस कैंप में सोल्जर्स को जो है बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से परेशान किया जाता है उन्हें। अच्छा, उन्हें वो ब्रिटिश ऑफिसर जो कि इस कैंप में काफी सालों से है, वो उनको एक पार्टी वार्टी देते। कुछ दिनों के बाद में बिल्ली और बाकी लोगों को ड्रेसडन भेज दिया जाता है, जहाँ पे उन्हें एक फैक्ट्री में काम किया जाता है। वो फैक्ट्री माल्ट का सिरप वगैरह बनाती है, ठीक है। कुछ हफ्ते के बाद ही वहाँ पे ब्रिटिश और अमेरिकन बॉम्बर्स बम करते हैं और इसमें काफ़ी सारे बिल्डिंग्स और काफ़ी सारी जनता मारी जाती है। उसके जो प्रिजनर्स हैं वो बच जाते हैं क्योंकि वो तो स्लॉटर हाउस में होता है और स्लॉटर हाउस अंडरग्राउंड होता है। उसके बाद उन्हें बॉडियों को क्लीनिंग का काम दिया जाता है, कई काम होते हैं। और इसके बाद में रशिया वाले आते हैं और वो इनको छुड़वा देते हैं। छूटने के बाद बिल्ली अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो वापस ऑप्टोमेट्री स्कूल को ज्वाइन कर लेता है और ये शादी कर लेता है। ये जो वेनिशिया है, ये इसके वो टीचर होते हैं, उनकी हेडमास्टर की बेटी होती है। ये इसको शादी करने के बाद में बिल्ली बिल्ली को थोड़ा मेंटल इलनेस आ जाती है, उसको एक ब्रेकडाउन आ जाता है। कई टाइम तक वो साइकेट्रिस हॉस्पिटल में रहता है, जहाँ उसको शॉक ट्रीटमेंट मिलते हैं और वहाँ उसको कुछ और साथ के पेशेंट मिलते हैं, जो उसे एक साइंस फिक्शन ऑथर जो है, जिसका नाम है किलगोर ट्राउट, वो उससे मिलवाते, उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आता है, वो वेलनिशिया से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद बिजनेस स्टार्ट करता है, प्रैक्टिस काफ़ी कामयाब चलती है, वो काफ़ी पैसा कमाता है। वेलेंशिया एक डिवोटेड वाइफ है, उनके दो बच्चे होते हैं जिनका नाम है बारबरा पिलग्रिम और रॉबर्ट पिलग्रिम। अब ये रॉबर्ट जो है वो थोड़ा बहुत टीनेजर में प्रॉब्लम आता है, लेकिन रॉबर्ट भी बाद में आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। बारबरा भी शादी कर लेती है। और उसके बाद में जिस दिन उसकी वेडिंग की नाइट होती है, उस दिन पहली बार उसे एलियंस मिलते हैं। अब इन एलियंस का नाम है ट्रेल्फामाडोरियंस। ये जो ट्रेल्फामाडोरियंस एलियंस हैं, ये जो है ये इनको इसको ले जाते हैं अपने साथ अपनी लैंड पर। ये ट्रेल्फामाडोरियंस जो है ये इसे एक जू में ले जाते हैं और अपने प्लेनेट पर ले जाते हैं, जहाँ पर उसे एक ट्रांसपेरेंट डोम में रखा जाता है। और वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चोरी की हैं, जो कि वो कहाँ से चक्के लाए हैं, वो वहाँ पे एक सियर रिबक वेयर हाउस से चक्के लाते हैं। इवेंचुअली ट्रेमाफेडोलियन क्या करते हैं, इसके साथ एक पोर्नोग्राफिक स्टार जिसका नाम है मोंटाना विलहैक, उसको भी रख देते हैं। और वो उसे मजबूर करते हैं कि आप दोनों आपस में मेटिंग कीजिए, जिससे कि दोनों एक दूसरे बॉन्ड बनाते हैं और वो एक उनके बच्चा हो जाता है। इसलिए विली को यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कुछ टाइम बाद विली को वापस अर्थ भेज देते हैं। अर्थ भेजने के बाद में जब वो एक ऑप्टोमेट्री कन्वेंशन में जाता है, कोई सेमिनार में जाता है मॉन्ट्रियल में, तो वहाँ उसका प्लेन क्रैश कर जाता है। बिली और को पायलट ही बचते हैं। बिली को एक हेड इंजरी होती है, उसको हॉस्पिटल ले ले जाती हैं। वैलेंशिया उसको देखने के लिए भागी जाती है। जो भागी जाती है तो उसे वहाँ पर रास्ते में वैलेंशिया की गाड़ी क्रैश कर लेती है। पर वो क्या करती है, वो फटाफट वहाँ से जाती है। उसे पता नहीं होता कि कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाती है। थोड़ी देर बाद वो मर जाती है। अब बिल्ली जो है, अब वो वहाँ से आ चुका है, वो अपना एक ही मिशन बना लेता है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि ट्रैलफेमोडोरियंस क्या है और उनका उनका जो टाइम का सिस्टम क्या है। वो ये बिलीव करता है कि ट्रैलफेमोडोरियंस की जो नॉलेज और फिलोसफी है, ये लोगों को बहुत हेल्प कर सकती है। वो न्यूयॉर्क सिटी में अपनी स्टोरी बताता है एक लेट नाइट रेडियो प्रोग्रामर में, और वो इलियम के लोगों को बहुत सारे, इलियम मतलब न्यूरो के लोगों को बहुत सारे लेटर्स लिखता है। बारबरा जो बिली की बेटी है, वो सोचती है कि मेरे पापा का दिमाग ख़राब हो गया है। पर बिली थकता नहीं है। वो एक टेप रिकॉर्ड करता है जिसमें वो अपनी डेथ के बारे में बताता है कि एक स्नाइपर की बुलेट मुझे आकर मारेगी, और वहीं आकर उसको एक स्नाइपर की बुलेट उसको मार देती है। अब इसके अलावा इसमें तीन जने और थे जो कि इसके साथ में एक इम्पोर्टेंट करेक्टर में, यूएस प्रिजनर ऑफ वॉर। एक तो जिसमें है रोलैंड वेरी, इसका मैंने आपको बता ही दिया कि रोलैंड वेरी कौन था। रोलैंड वेरी जो था वो बिली के साथ जर्मनी में था। वो उसको बहुत बली करता है। वो इमेजिन करता है कि जैसे फिल्में मूवी में हैं, ठीक है। वो स्काउट्स के साथ में जब जाता है तो उन स्काउट्स को वो थ्री मस्केटियर्स मानता है, जिसके कारण स्काउट्स उसको छोड़ देते हैं। फिर वो बिली को कूट पीटता है, ठीक है। जब वो प्रिजनर बन जाता है तो वेरी जो है वो गैंग्रीन से मर जाता है, क्योंकि उसके पाँवों में जो जूते होते हैं उनसे उसको गैंग्रीन हो जाती है। मरने से पहले वीरी जो है वो पॉल लजारियो को बताता है कि मेरी डेथ का रिस्पॉन्सिबल बिली है। तो इस तरह से ये एक विलेनर बन जाता है। एडगर डर्बी एक और प्रिजनर ऑफ वॉर है, वही बिली का एकमात्र फ्रेंड है। वो काफी पुराना सोल्जर है, ठीक है सर। इसके बाद में पॉल लजारियो जो है वो भी प्रिजनर ऑफ वॉर होता है। लजारियो एक बार बिल्ली को बताता है कि वो कहता है कि सर मैंने एक कुत्ते को रिवेंज लिया था जिसने मुझे काटा था, तो उसने कुत्ते को क्या किया था, रेजर ब्लेड्स खिला दिए थे। लजारियो कहता है कि मैं रोलैंड वेरी की डेथ का बदला लूंगा, और वो लास्ट में सक्सेसफुल हो जाता है। वो एक असैसिन, एक हत्यारा हायर कर बिल्ली पिलग्रिम का मर्डर करवा देता है। तो मर्डर करने वाला हथियार अलग होता है, लेकिन रोलैंड वीरी जो है वो जाते जाते पॉल लजारियो को ये दे जाता है, और पॉल लजारियो बिल्ली को मरवा देता है। तो इस तरह से ये हमारी स्टोरी समाप्त होती है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।